वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हम दोनों हैं। यस, तो कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही जरूर, है ना? तो हम फिर से एक चैलेंज लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मस्ती होने वाला है। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? तो आप लोगों का एक्साइटमेंट और ना बढ़ाते हुए मैं बता देती हूँ कि आज हम क्या चैलेंज करने वाले हैं। तो हम दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट लाए हैं, तो हमको वो गेस फूड प्रोडक्ट है, सब खाने का है सामान, तो हम अलग अलग लाए हैं दोनों। हमको नहीं पता है कि ये क्या लाई है मेरे लिए और मैं क्या लाई हूँ। दोनों अलग अलग गए थे खरीदने के लिए, खरीद के लाए हैं। सो हमको करना ये है कि हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, मैं इसको कर दूंगी, देन मैं जो जो सब सामान लाई हूँ खाने का सब मैं यहाँ पे रखूंगी और एक एक करके उसको खिलाऊंगी। एंड उसको गेस करना है प्रोडक्ट का नाम, फूड प्रोडक्ट का नाम, उस खाने का नाम उसको गेस करना है, प्रॉपर नाम उसको बताना है, ब्रांड के साथ उसका नाम, किसी किसी में अगर फ्लेवर होता है तो फ्लेवर एंड पूरा प्रॉपर बताना है। तो जो पूरा प्रॉपर बताएगा वही उसी को ही पूरा 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो हाफ पॉइंट मिलेगा आधा नाम बताने से। बहुत मजा आएगा गाइस करने में। मैं तो बहुत ही ऐसे ऐसा लाई हूँ कि उसको यू नो पता ना चले, जो हम लोग ज्यादा नहीं खाते हैं उस टाइप का लाई हूँ, ताकि इसको मैं हरा पाऊँ फिर से। सो या गाइस, लेट्स सी आज कौन हारेगा एंड कौन जीतेगा। सो और लेट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रुमाल को इसके आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, देन फिर मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ एंड उसको खा के गेस करना है एंड बताना है नाम। सो लेट्स स्टार्ट। दिखाई नहीं दे रहा था तुझे कुछ? ठीक है, मैंने बहुत बड़ा करके पट्टी बांधा है ताकि उसको कुछ दिखाई ना दे नीचे से भी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आई एम एक्साइटेड। सो ये देखो, ये तो शायद उसको खाने से पता चल जाएगा, खाना हो या फिर पीना हो, जो भी हो, करने से उसको पता चल जाएगा। अरे मैं बोल रही हूँ ऐसे। तो फिर उसको एग्जैक्ट सब कुछ बताना है, फ्लेवर एंड ऑल सब कुछ। एंड देन हमारे पास है ये, ये दीदी सब तो क्या करने वाली है दीदी? आज तो तू मरेगी क्योंकि एक भी पॉइंट तेरे को नहीं मिलने वाला। मुझे पता है तू किसी का भी नाम प्रॉपर नहीं बना पाएगा। तो हमारे पास 7-7 प्रोडक्ट है, मैं 7 लाई हूँ, वो 7 लाई है। तू ऐसे मेरे को पूछ कैसे रही है, प्रॉपर बता एक बार, मैं ऐसे क्या क्या नहीं बोल सकती, पूछ सकती, पूरा नाम एक ही बार में तेरे को बताना है। ये भुजिया ही है और हल्दी रखा है। पूरा नाम सही नहीं है, पूरा नाम बता। ठीक है, चल देख तो मैं थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। तू ठीक बोल रही है लेकिन आगे पीछे बोल रही है, तो अच्छे से बता। भुजिया से? यस, तो बदल दिया इसमें, ये हल्दीराम का भुजिया सेव है। तो चलो 1 पॉइंट मिलता है इसको। देन गाइस आई थिंक इसको ये पता चलेगा लेकिन ये प्रॉपर नाम नहीं बता पाएगा। ये हम बहुत खाते थे, अभी नहीं लेकिन पहले खाते थे। ओके थैंक यू हिंट देने के लिए। जो भी हिंट, तू ऐसे भी खाने से तुझे पता चल जाएगा लेकिन तू नाम नहीं बता पाएगा। ये हाथ में नहीं दे सकती। क्या वो जली है? स्ट्रॉबेरी जली? नाम पता नहीं है यार। बताना गाइस, इसको खाने से पता चल जाएगा लेकिन नाम यार, टास्क तो यही यही है ना कि खा के नाम देखते हैं कि कितना नाम याद है। स्ट्रॉबेरी का एप्पल लीवर का स्ट्रॉबेरी जली, एप्पल लीवर ठीक है, ब्रांड ठीक है, लेकिन नाम तेरे को, तू नाम एकदम गलत बोल रही है। एकदम नहीं लेकिन ठीक है चल। ये नाम बहुत फेमस नाम है यार, क्या खाते थे बचपन
इतने साल से नहीं खाए, मुझको नाम कैसे पता होगा? याद आ रहा है कम से कम की खाई थी। मुझे तो लगा तेरे को ब्रांड नहीं पता होगा लेकिन नाम पता होगा। ब्रांड कैसे नहीं पता होगा, ये ब्रांड तो फेमस है। मैं अगर खाती आग बंद करके तो मैं नाम बता देती, लेकिन मेरे को ना ब्रांड नहीं याद आता कि ये यार कोई ऐसा नहीं बोलता है। बोले यार मुझे फिर बताना, फिर ब्रांड बोल दूंगी, नाम बोल दूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी बता। ठीक है गाइस, तो उसको नहीं पता और उसका हाफ पॉइंट मिल रहा है क्योंकि उसने ब्रांड का नाम बताया, और जेली भी उसने बताया लेकिन प्रॉपर नाम है जस्ट जेली। ओह शिट, जस्ट जेली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये कैसे भूल गई मैं, फ्लेवर भी बताया। तो इसलिए हाफ पॉइंट, वन एंड हाफ। आपसे ज्यादा नहीं मिलेगा क्या? 0.9। शट अप। ओके okay guys, so next yes, next is this, ye dekha, blue lace hai na, kya blue lace? Soch ke bata de, next time nahi milega tere ko, naam bata. Ye lace to hai, kisi ko bhi pata chalega lace hai. ओके सो गाइस, ये हल्दीराम का है, रतलामी से, तो इसका ये भी पॉइंट गया।
मैंने ये पहली बार सुना है तुला। सिक्स में से टू पॉइंट अभी और एक ही बाकी है। सो लेट्स सी ले खाले आ ये भी खाने से। अब बोल इसका फ्लेवर क्या है। बोल मेरे को भी बोल रही थी ना, मेरे को बोल रही थी ऐसा भी कोई लाता है क्या। छह में से बस दो पॉइंट मिला है उसको और ये लास्ट है। और इसका तुक्का लास्ट में सही लग गया। ये मंच चाहिए वो मां चॉकलेट है और इसका ये है वैनिला फ्लेवर का। हां इतना बड़ा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो मुझे लगा था इसको इसमें से हाफ पॉइंट मिलेगा, टू एंड हाफ होगा, लेकिन इसने फ्लेवर भी बता दिया तो इसको मिलता है 3 पॉइंट। लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ गाइस। तो अभी देखते हैं मेरी प्यारी सी बहन मेरे लिए क्या क्या लाई है। तो पहले मैं इसको ये टेस्ट करने वाली हूँ। ये पकड़। ये गुड्डे तो नहीं है, गुड्डे का चॉकलेट नहीं है। ये ना डार्क फैंटेसी टाइप लग रहा है लेकिन ये डार्क फैंटेसी भी नहीं है। ये एक अलग है, इसका आज से कुछ नाम होता है। ओह तो इसको पता है। चलो मतलब मैं खुश हूँ ये जान के कि इसको पता है कि आज से नाम होता है। आज से कुछ नाम है लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ये फ्लेवर चॉकलेट का है। यस तो ये प्रोडक्ट है रोमांसो, इसका नाम है रोमांसो और ये रोमांसो का कुकीज है, चॉको फिल कुकीज। तो चॉको बोला है चॉकलेट फ्लेवर है तो आप देते हैं क्या करें, देना तो नहीं चाहते फिर देना पड़ेगा। yes. अब इसको ट्राई कराने वाली हूँ मैं, ये जो ये कभी नहीं खाई है और इसको पता नहीं लगा। कभी नहीं खाई हूँ लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ। अब देखते हैं इसको कैसा। Oh God, what is this? ऐसे क्या हाथ में घुमा लेंगे? ये भी एल्फिलिबल का कुछ है? नहीं 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 ये एल्फिलिबल का नहीं है दीदी। हाँ स्ट्रॉबेरी है, फ्रूट लॉलीपॉप है लेकिन ब्रांड का नहीं पता। ओके ये स्ट्रॉबेरी है, ये चुपा चुप्स का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बबल गम लॉलीपॉप है गाइस, जो ये कभी नहीं खाई है, इसको नहीं पता और इसको जीरो मिलता है। जीरो नहीं मिलता है, मैंने बताया है। हाफ हाफ वन। और अब मैं इसको ट्राई करवाने वाली हूँ ये खाना। मतलब वही जो भी है। हाँ ठीक है देख, थोड़ा देना। ये हल्दीराम का है। और मिक्स कुछ, मिक्स कुछ है। मिक्स क्या है? हल्दीराम का है ये तो कंफर्म है, मिक्सचर है जो मिक्स वाला, मिक्स एवरीथिंग या मिक्स एवरीवन या ऑल इन वन। ठीक है गाइस फिर से इसे मिलते हैं ओनली हाफ पॉइंट क्योंकि इसके ब्रांड तो सही बोला कि हल्दीराम है लेकिन इसका नाम है हल्दीराम तीखा मीठा मिक्सचर। ओके वन एंड हाफ। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला मार्केट में तो मैं उधर के ले आई और इसे सिर्फ इतना करना है कि इसको सिर्फ इसका फ्लेवर बताना है और ये अगर फ्लेवर बता पाए तो वन पॉइंट, अगर नहीं बता पाए तो जीरो। गाइस व्हाट इज दिस? स्ट्रॉबेरी। आर यू श्योर कि स्ट्रॉबेरी है? वनीला स्ट्रॉबेरी कोई एक बोला मैंने ना, बोला नहीं चलेगा इधर। नहीं वनीला है। हाँ ये वैनिला है। हाँ देखा जो जिसका डर था वही हुआ, इसको मिल गया वन पॉइंट क्योंकि ये वैनिला है। ओह ये मेरे को मिल गया है टू एंड हाफ, मतलब मैं हाफ पॉइंट से इससे पीछे हूँ और अगर अभी मैं वन पॉइंट मेरे को मिल गया तो मैं जीत जाऊंगी। अब मैं इसको ट्राई करवाने वाली हूँ ये हल्दीराम का जो वो
नाम में भूल गई क्या? ऐसा ही होता है जो पिंक एंड व्हाइट कलर के पैकेट में जो गोवा का जो है वो। ओह शिट शिट शिट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। शिट, इसे फिर से हाथ में मिला के ये हल्दीराम बोली है और इसका नाम है हल्दीराम का लाइन चूड़ा। ये गाइस थ्री हो गया, गाइस मेरा थ्री हो गया। अब से रुक जाते हैं। गाइस ये भी हल्दीराम का ही है। सोच लो हर चीज हल्दीराम का नहीं आता दीदी। सजेस्ट कर सकते हो, चैलेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हो। सो या वी विल सी यू इन